ऑल राइट, गुड मॉर्निंग। आज 3 जुलाई करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर, अगर तुम सबको थोड़ा सा याद, हमने पिछले महीने भी एक करंट अफेयर किया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। जिन्होंने नहीं किया, मैं पूरा पूरा दोबारा करा रहा हूँ, सब कुछ दोबारा से करेंगे। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि करंट अफेयर्स कैसे हर महीने बहुत सारे करंट अफेयर्स ऐसे होंगे जो रिपीट होते रहेंगे, तो इन्हें साथ के साथ मेमोराइज करने में हेल्प मिलेगी। ऐसा नहीं सोचना पढ़ते टाइम कि यार ये मैंने पिछले महीने पढ़ा था, जिन्होंने पढ़ा आने वाले महीनों में भी हो सकता है कि ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, क्यों पढ़ना। एक पॉइंट को जितनी बारी पढ़ोगे उतना अच्छा होता है, ठीक है, उतना माइंड में वो बेटर रिटेन होगा। तो जितनी बारी मर्जी आए पढ़ते रहो उसे, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरी कन्वेंशन क्या है, ये ना यूनाइटेड नेशन द्वारा सी के लॉस बनाने के लिए एक कन्वेंशन है। इसमें होता क्या है, बेसिकली तुम्हारे जितना वाटर है ना, मतलब जैसे इंडिया है, ये तुम्हारा इंडिया का वाटर है, यहाँ से बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी, कितना पानी, कहाँ तक हम पानी में राइट्स क्लेम कर सकते हैं, ये उस चीज के ऊपर एक ट्रीटी है, ठीक है। और मतलब किस पानी में हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब अलग अलग बाउंड्रीज हैं, मैं अभी बताऊंगा उन बाउंड्रीज में हम क्या किससे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब तुम्हें इस डायग्राम से समझाऊंगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। पहले एक बार मैं तुम्हें सारा डायग्राम से समझाऊंगा। देखो अलग अलग ना बाउंड्रीज मार्क की हुई है। सबसे पहले साथ में मैं ड्रॉ भी यहाँ करता रहता हूँ, इंडिया को हम एक बड़ा सा इंडिया बना लेते हैं, ठीक है। ये सी की तरफ जाता हुआ है, ये देखो यहाँ से लैंड खत्म हुआ, यहाँ से पानी बीचेस आ जाते हैं ना, बीचेस के अंदर ऐसे नीचे लैंड जाता रहता है। तो जमीन से कितनी दूर कौन सा डिस्टेंस पड़ता है, ये उसके ऊपर डायग्राम बनाया हुआ है। पर मैं एक बर्ड्स आई व्यू भी साथ में इंडिया की बाउंड्री के ऊपर बनाऊंगा। सबसे पहले जो वाटर पड़ते हैं वो है इंटरनल वाटर्स। इंटरनल वाटर्स क्या होते हैं, जैसे देखो हमारी जो नदियां हैं लैंड के अंदर से शुरू होके ये समुन्द्र में जाके गिरती है ना, ठीक है, इन्हें कहते हैं इंटरनल वाटर्स। क्योंकि ये रिवर्स, इनके ऊपर हमारा कंट्रोल ही होना चाहिए, मतलब कंट्रोल इन द सेंस कोई भी लॉ बनाने में, और इन्हें कैसे इन लॉ को इंप्लीमेंट करना है हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी फॉरेन कंट्री की वेसल स्पेसिफिकली इन वाटर्स में नहीं एंटर कर सकती बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। पहले तो यही बात, गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है पर वो हर शिप के केस पर केस के परमिशन पे होगा। तो 100% रेगुलेशन हमारे हाथ में है, कोई भी यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आ सकता, ठीक है। कि आज इंडिया की गंगा घूम के आते हैं कोलकाता के साइड से गंगा के अंदर, ऐसे नहीं कर सकते। इंडिया का पानी इंडिया का ही रहेगा, इंडिया के कंट्रोल में ही रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी जो कानून बनाने हैं, ठीक है, जैसे कि कोई कस्टम्स का कानून, फिशिंग का कानून, कोई भी कानून बनाना 100% इंडिया का राइट है, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, क्लियर। ये देखो ऊपर अलग अलग कैटेगरीज बांटी हुई हैं इंटरनल वाटर्स। इंटरनल वाटर्स पे सारी की सारी लैंड के इनवर्ड जितना पानी है, मैं साथ साथ ऊपर ही कंपेयर भी करता जाऊंगा, ठीक है। तो आपको सारे के सारे साथ के साथ, क्योंकि समझ आता है, कोई भी लॉ, रेगुलेशन या रिसोर्सेज, वही फिशिंग और सब कुछ, वो कैसे यूज करना है वो हर कंट्री की अपनी मर्जी है। फॉरेन वेसल्स को नो राइट टू पैसेज है, यही मैंने तुम्हें बताया। देखो फॉरेन वेसल्स नो राइट टू पैसेज का मतलब है कि तुम ये पानी की बॉडी जो फॉरेन कंट्रीज की शिप है, वो ये इंटरनल वाटर्स हमारे रिवर्स में एंटर नहीं कर सकती, उन्हें यहाँ पे पैसेज का भी परमिशन नहीं है। अगर देनी है तो हमारी सरकार देगी, पर वही तुम्हें बताया वो पर बोट की कंडीशन पे होगी। लेट्स सपोज हमने किसी अमेरिकन बोट को किसी रास्ते से अंदर लाना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे स्पेशल परमिशन इश्यू करेगी कि हाँ वो फ्रेंडली रिलेशंस के चलते हुए एक प्रॉपर, हमारे एलाइज को भी वो अप्रूवल चाहिए, वो तभी आ सकते हैं। किसी भी फॉरेन वेसल को
नहीं तो पैसेज का अलाउड पैसेज अलाउड नहीं है। इसके बाद हमारे समुंदर का एरिया पड़ता है। समुंदर से, अब जमीन से समुंदर का पहला एरिया लगाओ, कितने नॉटिकल माइल्स? 12। देखो देखो, जो जब हम वाटर में ट्रैवल करते हैं ना, जैसे हम लैंड के ऊपर जब ट्रैवल करते हैं हम किलोमीटर्स मेजर करते हैं, जब हम पानी पे ट्रैवल करते हैं तब हम नॉटिकल माइल्स गिनते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है हमारी जमीन से, ये जो बीच थी जहां पे पानी की तरफ 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है, इसे कहते हैं टेरिटोरियल वाटर्स। 12 नॉटिकल फ्रॉम दी बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब जहां पे पानी शुरू होता है और हमारी जमीन खत्म होती है, वहां से 12 नॉटिकल माइल्स। इसमें भी हम कोस्टल स्टेट का मतलब है पूरा इंडिया, सिर्फ वो ये नहीं कि कर्नाटका, ये सब कुछ। कोस्टल स्टेट का मतलब है कंट्री एज अ कंट्री, ठीक है? क्योंकि कुछ कंट्रीज यूनिटरी होती हैं और कुछ फेडरल होती हैं, वो पावर उसके अकॉर्डिंग डिवाइड होगी। तो बिकॉज ट्रीटी जनरल टर्म्स में रेफर करेगी, कोस्टल स्टेट का मतलब वो होगा जिस कंट्री की बाउंड्री लग रही है। कोई भी लॉ, रेगुलेशन या रिसोर्सेज के ऊपर हम कानून बना सकते हैं। यहाँ पे अब फॉरेन वेसल, देखो रिवर्स के अंदर एंटर नहीं कर सकती थी, पर ये 12 नॉटिकल माइल्स का क्या एरिया है। कई बार ना कई कंट्रीज के अगर तुम बीच में देखोगे, जैसे कि फ्रांस और लंदन के, सॉरी फ्रांस और यूके के बीच में, लंदन कह दिया, फ्रांस और एक से ब्रिटेन लगा लो, लंदन लगा लो, यूके थोड़ा बड़ा है, लंदन गलती से भूल जा रहा हूँ बार बार, यूके कह लो, ब्रिटेन कह लो, यूके थोड़ी बड़ी टेरिटरी है और चीजों को भी इंक्लूड करती है, तो ब्रिटेन लगा लो। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ना, यहाँ पे ना एक पतला सा एरिया पड़ता है जिसे कहते हैं, कौन सा स्ट्रेट है यहाँ पे? स्ट्रेट ऑफ डॉवर। ये पतला सा एरिया है इन दोनों के बीच में, ठीक है? तुम्हारे इंग्लिश चैनल के पानी में पड़ जाता है। एक साइड पे हमारा इंग्लिश चैनल है और एक साइड पे तुम्हारा नॉर्थ सी है, ये इन दोनों कनेक्ट करता है। ये ना पतला सा जो एरिया है, ये 12 नॉटिकल माइल्स का भी नहीं है। अब फिर ये दोनों इस पानी को शेयर कैसे करेंगे? प्लस अगर किसी और कंट्री की शिप ने निकलना है, वो कैसे निकल पाएगी अगर राइट टू पैसेज ही नहीं होगा? तो होता क्या क्या है, सिर्फ इंटरनल वाटर्स ऐसे वाटर्स है जहां पे फॉरेन वेसल नहीं एंटर कर सकते। टेरिटोरियल वाटर, इवन इंडिया के जो 12 नॉटिकल माइल्स हैं, इसमें फॉरेन वेसल एंटर कर सकती हैं, पर उन्हें राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज होता है। राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज का क्या मतलब है? लेट्स सपोज तुम्हारी एक वॉरशिप है, ये तुम्हारी वॉरशिप जा रही है, इसमें अब जो तुमने गन्स फिट की है ना, ये गन्स पहले तो सीधी डायरेक्शन में फेस करनी चाहिए, उसके बाद नीचे को झुकी होनी चाहिए, क्यों? ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हारी गन्स ऐसे साइड जमीन की तरफ को कहीं पे मुड़ी हुई है और ऊपर को उठी हुई है, यानी कि ये फायरिंग के लिए रेडी है, ठीक है? तो वो इनोसेंट पैसे नहीं है, क्योंकि तुम दूसरी स्टेट को थ्रेटेंड महसूस करवा रहे हो अपनी एक्टिविटीज से। तो इनोसेंट पैसेज का मतलब है ये सारी गन सीधी घूम जाएंगी और नीचे को झुकी होंगी, ठीक है? तब उसे माना जाता है कि इनोसेंट पैसेज है, बस शिप को यहाँ से निकलने के लिए रास्ता चाहिए था, तो यहाँ से निकल रही है। क्लियर है? इसे कहते हैं इनोसेंट पैसेज। इनोसेंट पैसेज का कंसेप्ट समझ आ गया ना? ये क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्टली आ सकता है कि उन क्लॉज दो क्वेश्चन, मतलब अभी तक जो मैं तुम्हें, तीन क्वेश्चन एक्चुअली मैं तुम्हें जो बता सकता हूँ स्टेट सर्विसेज है उसमें आ सकते हैं। एक तो कौन से कैटेगरी में तुम्हारे फॉरेन वेसल्स को आना अलाउड नहीं है, क्या आंसर होगा उसका? इंटरनल वाटर। बिल्कुल, इंटरनल वाटर्स में फॉरेन वेसल्स को आना अलाउड नहीं है। सेकंड इज अकॉर्डिंग टू उन क्लॉज के मुताबिक राइट टू इनोसेंट पैसेज क्या होता है? ये लिखा हुआ है इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी जो होगी, ठीक है?
allowing the passage of military craft as transit passage in the naval vessel are allowed to maintain posture that would be illegal in territorial water. ठीक है, कोई भी ऐसा posture जो illegal हो territorial water में, तो innocent passage क्या होगा? कोई भी unharmful, कोई भी चीज जो harm ना करती हो साथ वाली स्टेट की, कोस्टल स्टेट की इंटेग्रिटी या किसी चीज को, या थ्रेटन ना महसूस करवाती हो, उसे कहेंगे कि वो इनोसेंट पैसेज है. ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, स्टेट सर्विसेज जैसे क्वेश्चन कि टेरिटोरियल वाटर्स का, टेरिटोरियल वाटर्स की लिमिट क्या है? क्या आंसर आएगा? नॉटिकल माइल्स. अगर क्या कहते हैं, लेट्स सपोज एग्जामिनर का मन किया किलोमीटर्स में तुमसे पूछ सकता है, माइल्स में ये माइल्स में नहीं पूछेगा. 10 से 22 किलोमीटर, तो ये दो चीजें याद रखना, 12 और 22. ठीक है, ये नीचे इनोसेंट पैसेज की डेफिनेशन भी लिखी हुई है. तो हम टेरिटोरियल वाटर में जैसे फिशिंग, पोल्यूशन, वेपन प्रैक्टिस, स्पाइंग, ये सब कुछ इनोसेंट, स्पाइंग मतलब इनोसेंट प्रैक्टिस नहीं मानी जाती. ठीक है, सबमरीन्स, और अच्छा हाँ, और सबमरीन्स के रिगार्डिंग इनोसेंट पैसेज क्या कहते हैं? देखो, सबमरीन्स नहीं तो अनडिटेक्टेड भी जा सकती हैं पानी के अंडर. तो होता क्या है, जब तुमने ये 12 नॉटिकल माइल्स से निकलना है तो सबमरीन्स को एक तो पानी से बाहर सरफेस पे आना पड़ता है, और दूसरा अपना फ्लैग शो करके रखना पड़ता है ताकि पता रहे किस कंट्री की सबमरीन निकल रही है, और वो सरफेस से बाहर दिखनी चाहिए. ठीक है, जब तुम किसी कंट्री के टेरिटोरियल वाटर में हो. क्लियर? बाकी जो देश हैं उनके पास पावर है कि वो इनोसेंट पैसेज को सस्पेंड भी कर सकते हैं किसी भी कंट्री के लिए, अगर उन्हें कोई सिक्योरिटी इशू होता है. जैसे लेट्स सपोज हम कहें कि पाकिस्तान की कोई सबमरीन हमारे पास से निकलना चाहती है हमारे टेरिटोरियल वाटर में, हम पाकिस्तान की कोई भी सबमरीन 12 नॉटिकल माइल में नहीं आने देंगे. तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी चीजों को कभी पाकिस्तान से अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि कभी ये 12 नॉटिकल माइल्स में वेपन्स को तो घूमने में ही टाइम लगता है. ठीक है, हमारे पोर्ट्स के पास आके अचानक वेपन घुमा दें फिर तो हम ऐसी जो हॉस्टाइल कंट्रीज होती हैं उन्हें परमिशन ही नहीं देते ये करने की. ठीक है, वो हमें नहीं देंगे. अब 12 नॉटिकल माइल्स हो गए, अब इंडिया के कोस्ट लाइन पे वापस आते हैं. अब क्या है, अब इंडिया के पानी के थोड़ा सा और आके जाते हैं, एक और लाइन बना दो. अब ये अगले 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि जमीन से 24 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस आ गया. इंडिया की जहां पे जमीन खत्म होती है और पानी शुरू होता है, वहां पे जो 12 नॉटिकल माइल्स, जब अगला मतलब 24 नॉटिकल माइल्स जब टोटल हो गया, ठीक है, वो उस बाउंड्री को तुम क्या बोलोगे, कंटिजियस जोन. ठीक है, बियॉन्ड दी 12 नॉटिकल माइल्स जो पहले थे, अगले फिर से 12 नॉटिकल माइल्स, तो टोटल 24 नॉटिकल माइल्स. तो मैं ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कंटिजियस जोन, बेस लाइन का मतलब वही बीच आ गया जहां पे इंडिया की जमीन खत्म हो रही है, पानी शुरू हो रहा है, कितने किलोमीटर दूर तक जाती है, तो उसका आंसर होगा 24 नॉटिकल माइल. ठीक है, ये 12 + 12 ऐड करने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो धीरे धीरे हमारे टैक्सेशन पावर्स कम होती जा रही हैं. कैसे कम होती जा रही हैं? देखो, पिछले में हम फिशिंग, पोल्यूशन, वेपन्स की प्रैक्टिस, ये सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे. अब कंटीजियस जोन जो 24 नॉटिकल माइल होता है, इसमें तुम सिर्फ 4 स्पेसिफिक एरियाज पे कंट्रोल कर सकते हो, कानून बना सकते हो. वो है कस्टम्स के ऊपर, टैक्सेशन, कोई अगर वहां से कोई चीज की टैक्स लगता है कोई रिसोर्स कलेक्ट करने पे, वो लगा सकते हो. इमिग्रेशन, कोई वहां पे इमिग्रेंट्स की कोई बोट एंटर कर रही है, कुछ हो रही है, उसे तुम चेक में ला सकते हो. और लास्ट है पोल्यूशन, कोई भी शिप जो पोल्यूशन कर रही है या वहां पे डंप करने कोशिश कर रही है, ठीक है, या कोई शिप जो वहां से पास कर रही है, उसे तुम्हारे पोल्यूशन की गाइडलाइंस को मान के चलना होगा.
ये सब कुछ इसके थ्रू होता है, ठीक है। तो ये एक हॉट परस्यूट एरिया बनता है, इसका क्या मतलब होता है? एनीवन, देखो इसमें वेपन्स या किसी और चीज को बिकॉज कोई रोक नहीं है, तो होता क्या है, कंट्रीज ने दूसरी कंट्री को जब थ्रेटेंड महसूस करवाना होता है ना, ये 12 नॉटिकल माइल्स वाले जो पानी है, मतलब पहले 12 के बाद ये जो अगले 12 नॉटिकल माइल्स का पानी है, वो यहाँ से शिप्स पास करवाते हैं। 12 नॉटिकल माइल्स कितना ही दूर होता है तुम्हारे कोस्ट से, ठीक है, 22 किलोमीटर मतलब कितना ही दूर हुआ तुम्हारे कोस्टल स्टेट से, तुम 24 किलोमीटर दूर अपनी शिप पास करवा लो, तुम हो तो कंटीजियस वाटर में ना, तो दूसरी स्टेट मना भी नहीं कर सकती। तभी कई बार तुम अखबार में पढ़ोगे कि चाइनीज सबमरीन डिटेक्टेड नियर इंडियन कोस्ट, कि चाइना अपनी सबमरीन कई बार इंडियन कोस्ट के आसपास घुमाते हैं। वो कैसे घुमाते हैं, वो ये 24 नॉटिकल माइल का जो पानी है, 12 से लेके 24 के बीच में जो नॉटिकल माइल का पानी है, कंटीजियस जोन है, यहाँ पे सबमरीन घुमाते हैं। हर देश करता है, हम भी करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं करता। हम जब क्या कहते हैं जापान के साथ एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं, वो तब हम एक्सरसाइजेस ही हम पहले तो चाइना के पास में कंडक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब वहां पे ऑब्वियसली तुम वेपनरी फोड़ नहीं सकते, तो क्योंकि स्ट्रेट डायरेक्टली थ्रेटेंड होता है, पर फिर हम परस्यूट करते हुए ऐसे पास करवाते रहते हैं। तो ये जोन ऐसा बनता है। हॉट परस्यूट का मतलब है कि स्टेट्स एक दूसरे को यहाँ पे चेक रखने की और काउंटर करने की कोशिश करती रहती हैं। फिर लास्ट जोन है, अब देखो तुम्हारे इंडिया का जो पूरा कोस्ट बना था, इससे 200 नॉटिकल, ये जो बेस लाइन थी हमारा जो बीच था, यहाँ से अब 200 नॉटिकल माइल्स दूर तक जितनी जो रेंज पड़ेगी, 200 नॉटिकल माइल्स दूर, ठीक है, मतलब जो हमारे बीच का एरिया था वहां से 200 नॉटिकल माइल्स दूर तक, लैंड से 200 नॉटिकल माइल दूर, ये 24 क्रॉस करने के बाद पहला पड़ा तुम्हारा टेरिटोरियल वाटर, अगले 12 पड़े कंटीजियस, 224 काटे, ठीक है, 176 नॉटिकल माइल्स पीछे बच गए। ये जो 176 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है, इसमें इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों होता है ये मैं बताता हूँ, ऊपर इसका रीजन ऊपर देता हूँ। देखो ये जो 200 नॉटिकल माइल्स या किलोमीटर में मैं बोलूं, टिल 370 किलोमीटर जो है, यहाँ पे एक स्टेट को एक्सप्लॉयटेशन राइट्स होते हैं ऑल नेचुरल रिसोर्सेज के। लेट्स सपोज जो तुम्हारा कई बार तुमने सुना होगा, हम समुद्र के नीचे से भी तेल निकालते हैं, वो इन्हीं एरिया से निकाला जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से, ठीक है, मतलब ज्यादातर माइंस यहीं पे आती हैं, ठीक है। अब और भी रेयर अर्थ मेटल्स ऐसी चीजें भी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और मिनरल्स भी, कोई भी मिनरल जो हमें ये 200 नॉटिकल माइल्स हमारी कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स के बीच में मिलेगा, वो हम बिना किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन के हम जैसे मर्जी उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, माइनिंग शुरू करके उसे निकाल सकते हैं जैसे हम चाहें, बस सिर्फ यही राइट होते हैं इसमें, बाकी तुम कोई और नहीं लगा सकते, मतलब तुम्हारे सिवा वहां पे कोई और एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता उसकी, पर और कोई राइट नहीं है ना, तुम कोई रूल्स और रेगुलेशंस किसी और चीज के लिए बना सकते, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज तुम अपने मुताबिक और उसके इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कैरी आउट कर सकते, क्लियर है। फॉरेन नेशंस को पूरी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होती है, ओवरफ्लाइट होती है, कुछ मैंने तुम्हें कहा और कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब और कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम सिर्फ इस एरिया को नेचुरल रिसोर्सेस के लिए एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, दैट्स इट। उन क्लॉज में कोई डाउट?
कम्युनिटी वर्ड यूज किया वा वो केड़े बेसिस ते मतलब कि कादे लिए यूज किया गया वा वो जो न्यूज है ना, न्यूज किसी और चीज के थ्रू आ रही है। तो बेसिकली हुआ क्या था, ये बहुत पुराना केस चलता आ रहा है, 2012 के टाइम का केस है। हमारे यहाँ पे इंडियन ओशन में, मैं तुम्हें जनरली बताऊं, नीचे मैं मैप पे जान दूं, ये जो इंडिया की कोस्ट लाइन, अब तो खैर बाउंड्री थोड़ी पीछे कर दी है, यहाँ पे मतलब गुजरात आ गया और इसके बाद जब पाकिस्तान शुरू हो जाता है, मेरा वहां से मतलब कंसर्न है, यहाँ से ना एक बाउंड्री शुरू होती है, यहाँ से लेके हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, अफ्रीका का मैप देखना ऐसे ना, एक साइड को हॉर्न से निकला हुआ है, यहाँ पे ना एक देश पड़ता है सोमालिया। सोमालिया में ना कोई सरकार नहीं है, इट इज अ लॉलेस लैंड, कोई सरकार नहीं है, यहाँ पे माफिया ही माफिया का कंट्रोल है। तो होता क्या है, यहाँ पे फिर गरीबी भी बहुत ज्यादा है, कोई नौकरियां नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक्चुअली लोगों ने अगर वहां पे जिंदा रहना है, और एक्चुअली जिंदा तो खैर वहां पे छोटे मोटे काम करके रह लेते हैं, पर अगर अमीर बनना है और एक अच्छी जिंदगी चाहिए तो पैसा चाहिए तुम्हें, ठीक है, जितना कमा सको। तो इसे कमाने का बेस्ट तरीका वहां के लोगों ने क्या ढूंढा, वो बन गए पायरेट्स। वो मूवी वाले पायरेट्स नहीं, नकली वाले पायरेट्स, इन्हें कहते हैं सोमालियन पायरेट्स। ये क्या होते हैं, ये कोई, इनके पास वो बड़ी बड़ी शिप्स नहीं होती जैसे मूवीज में दिखाते हैं, इनके पास वो जो छोटी सी, हम जो लेक्स में मोटर बोट नहीं घुमाते, वो वाली बोट्स पे ये शिकार पे निकलते हैं। क्योंकि ये लॉलेस लैंड है, यहाँ पे वेपन वेपन AK-47 सब कुछ मिल जाता है, रॉकेट लॉन्चर सब कुछ। तो ये वेपन वेपन भरते हैं, वो छोटी सी बोट लेके चल पड़ते हैं। अब यहाँ से देखो तुम्हारी कितनी सारी शिप्स जा रही हैं लगातार, और यहाँ पे तुम्हारे सऊदी अरेबिया, ईरान, इधर से भी तुम्हारे ऑयल टैंकर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये लगातार बहुत ही एक्टिव ट्रेड रूट है। तो ये पायरेट्स निकलते हैं, जो ये मर्चेंट शिप्स जा रही होती हैं। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, 80s और 90s के टाइम पे बहुत ज्यादा कैप्चर करने लग गए थे ये, ठीक है। जाते थे AK-47 से सारे क्रू को बंदी बना के लैंड पे ले आते थे, शिप का सारा माल इनका हुआ। और देखो एक जो मर्चेंट शिप ट्रैवल कर रहे होते हैं, उसका मिलियन डॉलर्स का उसके अंदर माल होते हैं, मिलियंस का, मिलियन डॉलर्स के सामान होते हैं जो मर्चेंट शिप्स होती हैं। तो एक बारी तुमने शिप लूट ली तो सारा का सारा पैसा तुम्हारा है उसे बेचने के बाद, प्लस जो तुमने क्रू पकड़ा है वो जिस कंट्री के लोग हैं वो कंट्री से भी तुम रैंसम मांगो, उनसे भी पैसे कमा लेते थे। तो हुआ क्या, इस सारी चीज को खत्म करने के लिए ना, दुनिया की जितनी ज्यादातर बड़ी नेवीज हैं, इंक्लूडिंग इंडियन नेवी, इन सब ने इस पूरे इंडियन ओशन के, मतलब अरेबियन सी और रेड सी के एरिया को खासकर सेफ बनाने का डिसीजन लिया, ताकि इनका ये थ्रेट खत्म हो सके। अब होता क्या है, जो तुम्हारी मर्चेंट शिप्स है ना, इनके ना पाथ और इनकी ट्रैवल जो लाइंस है वो पानी के अंदर फिक्स हैं कि यहाँ से ही ट्रैवल करना है। उसके बाद उन एरियाज को ना अलग अलग नेवीज ने अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि यहाँ से यहाँ, लेट्स सपोज इंडियन नेवी पेट्रोल करेगी, यहाँ से ना यहाँ यूएसए की करेगी, यहाँ से यहाँ पाकिस्तान की करेगी, कनाडा की करेगी, यूके करेगी, फ्रांस की करेगी, इटली करेगी, ऐसे बहुत सारा एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। बाई चांस 2012 में क्या हुआ था, तुम्हारी इटली की ऐसी एक शिप ने इंडिया की एक फिशिंग बोट के ऊपर फायरिंग कर दी थी, पर वो शिप जो थी वो हमारे कंटीजियस वाटर्स में थी, इटालियन नेवी की वो शिप बस यहाँ पे पेट्रोल कर रही थी, ठीक है। तो उन्हें वैसे ही लगा ये बोट यहाँ पे, वो वापस आ रहे थे बेचारे, तो इनके पाथ में ऐसे आ रहे थे, तो इन्हें लगा कि ये हमारी तरफ पायरेट्स आ रहे हैं, उन्होंने फायरिंग ओपन करके वो सारे मछुआरों को मार दिया। वो बाद में पता चला वो कोई पायरेट्स नहीं थे, मछुआरे थे जो फिशिंग करके वापस आ रहे थे। तो इस कारण इंडियन गवर्नमेंट ने साथ के साथ जैसे ही फायरिंग इंसिडेंट्स हुआ, अपने कोस्टल गार्ड्स भेजे और जो इटालियन मरीन्स थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है, क्योंकि अगलों ने रिपोर्ट किया कि हमसे ऐसी चीज हो गई है, तो हमने साथ के साथ अरेस्ट कर लिया। बहुत साल ये दो मरीन्स हमारे, जिन्होंने फायरिंग की थी वो हमारी कस्टडी में भी रहे,
फिर एक तरह से देखो ऐसे हो नहीं सकता कि इटालियन गवर्नमेंट ने इतना बड़ा धोखा किया हो, ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है। तो वो हमारी जेल्स में रहे थे, तो उनकी ना हेल्थ काफी पुअर हो गई थी, तो इटली ने कहा था कुछ टाइम इन्हें वापस आने दो, फिर हम वापस भेज देंगे। तो जब ये लोग इटली गए तो ये वापस ही नहीं आए, ठीक है, इटली की सरकार ने मना कर दिया कि हम नहीं भेजेंगे इन्हें। तो तब से इंडिया और इटली के बीच में विवाद छिड़ा हुआ है। तो रिसेंटली इंडिया वो केस इंटरनेशनल हमने आर्बिट्रेशन कोर्ट में से चैलेंज किया था, हम केस हार गए, तो वो अब लोग नहीं आएंगे वापस। बस इटली को ये बोला गया है कि इटली जो जिन फार्मर्स सॉरी जिन फिशरमैन की फैमिली की डेथ हुई है उन्हें कंपनसेशन पैसे पे करे, और सजा जो उन मरीन्स को मिलनी है वो इटली में ही मिलेगी, इंडिया में नहीं मिलेगी। गिल्टी थोड़ी ना आप मनांगे कि वो इस चीज से गिल्टी आ, देखो क्योंकि बाय तुम इंटेंशन नहीं होया हैगा। बाय इंटेंशन नहीं हुआ पर लोगों की जान तो चलेगी ना, तो हाँ जी, इसी वो तो है, बट सर कोर्ट ने फिर भी कोर्ट ऑफिसर्स को तो राइट हैगा ना कि वो किसी नु शूट कर सकते हैं, बट नहीं। ओदे विच उन्हां दी तो कोई गलती अगर नहीं सी। हमारे हमारे सिटीजंस को कोई और मार जाए तो मैं ऐसे तो नहीं चुप बैठ वो सकते। तो सर ठीक है, बट ऑफिसर्स इस चीज दे विच सर बल्कि गिल्टी नहीं ना, उन्होंने इनोसेंट ही मानया जाएगा क्योंकि उन्होंने बाय इंटेंशन नहीं किया, फिर इंडियन कोर्ट देखो जेडी उन्होंने छड़ सकदी आ। नहीं इंडियंस ने तो खैर देखो तुम्हें अपने लोकल सेंटिमेंट्स को भी देखना होता है, ऐसे नहीं है कि कोई भी इंडियंस को आके मार के चला जाएगा। पर वो तो सर कंपनसेशन ही मिलूगी फिर तो ओदे थे, हाँ जी मैं क्या, वो तो कंपनसेशन ही मिलूगी फिर ओदे थे। मैं तुम्हें बताता हूँ ना, तो बेसिकली है क्या बात क्या अल्टीमेटली कि कोर्ट ने यही बोला है कि ये इनोसेंस में हुआ है, इस कारण ही कोर्ट ने बरी किया है उन्हें, ठीक है। पर एज इंडियन गवर्नमेंट तुम कभी भी ये ग्राउंड नहीं हो सकता कि हाँ चलो कोई बात नहीं हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली तुमने इंटरनेशनली अपने सिटीजंस की इंटेग्रिटी स्टैब्लिश करवानी है कि हमारे सिटीजंस को कोई नहीं मार सकता। तुम अमेरिकन सिटीजंस को कहीं मार के देखो, अमेरिका रात तो रात पागल हो जाएगा कि हमारे सिटीजंस को मार कैसे दिया। वो क्या है, वो अपने सिटीजंस के लिए स्टैंड लेता है, हम नहीं लेंगे तो हमारी सरकार की अभी लोकली इज्जत कैसे होगी। केस जो मर्जी हो, किसी ने इनोसेंट से मारा है चाहे जानबूझ के मारा है, यू हैव टू स्टैंड बाय योर सिटीजंस ऑलवेज, नहीं तो तुम्हारी सरकार के ऊपर लोगों का विश्वास कैसे बनेगा। बीइंग प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तुम याद रखो चाहे कोई कितना मर्जी सही हो कोई कितना मर्जी गलत हो, तुम्हारे सिटीजंस को कोई इंडिया की स्टेट के अलावा कोई और नहीं हार्म कर सकता, ठीक है। मतलब राइटफुली मतलब अगर इंडियन स्टेट ने भी हार्म करना है तो थ्रू अ लीगल प्रोसेस, ऐसे नहीं कि जब मन किया पीट दिया, वो भी नहीं, थ्रू अ लीगल प्रोसेस सिर्फ इंडियन स्टेट के पास हक होना चाहिए उन्हें सजा देने का, ठीक है, और किसी के पास नहीं हक होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लोग ही तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो इंडिया को स्टैंड लेना ही था, पर ऑब्वियसली इनोसेंस में हुआ है तो शायद इंटरनेशनल कोर्ट में भी यही बोला है, तो शायद तभी हमने पहले भी इटली वालों को उन दोनों को जाने दिया था मरीन्स को वापस, और अब तो खैर केस ही खत्म है। देखो कहाँ पे हम केस कर रहे थे, मतलब हम दोनों लड़का रहे थे, एक ना आर्बिट्रेशन का कोर्ट है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन होता क्या है, जब दो कंट्रीज मतलब कोई भी दो पार्टीज हो सकती हैं, ये इंटरनेशनल अभी कंट्रीज का मामला है, मतलब दो कंपनीज भी हो सकती हैं, ठीक है, जब भी दो पार्टीज, चलो इस तरीके से बात करते हैं, आर्बिट्रेशन क्योंकि लोकल भी होती है इंटरनेशनली भी होती है, हर जगह अवेलेबल होती है, लोक अदालत भी एक तरह से तुम्हारी आर्बिट्रेशन ही करवाता है। होता क्या है, आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है, जो पार्टी वन है और जो पार्टी टू है, इन दोनों में अब कोई ना कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है, दोनों एक दूसरे समझौते पे नहीं पहुंच रहे। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आर्बिट्रेशन में इन दोनों पार्टीज की बात सुननी जाती है, ठीक है। एक मैं आर्बिट्रेशन का मतलब बताऊंगा और दूसरा मीडिएशन का मतलब बताऊंगा। इंटरनेशनली मीडिएशन कम ही होती है,
पर आर्बिट्रेशन का प्रोसेस इंटरनेशनल रिलेशन में रहता है, पर लोकली मीडिएशन भी होती है। चल पहले मैं मीडिएशन बताता हूँ, फिर आर्बिट्रेशन ज़्यादा बेटर समझ आएगा। मीडिएशन में क्या होता है, देखो इन दोनों पार्टीज में कोई डिस्प्यूट था, दोनों एग्री नहीं कर रही थी किस चीज़ पे, एक बीच में मीडिएटर बिठा दिया जाता है जिसका काम है दोनों पार्टीज की दलील सुनना। उसके बाद ये दोनों पार्टीज को कन्विंस करता है खुद अपना लॉजिक लगा के देखो एक मिडिल ग्राउंड हमने अचीव करना है, कुछ चीजों में तुम मान जाओ, कुछ चीजों में वो मान जाए, ठीक है, और अल्टीमेटली हम एक डिसीजन पे आ जाए। ये होगा मीडिएशन, मीडिएट, दोनों को सेंटर में ले आना कि दोनों की बात मान जाए और दोनों एग्री कर जाए। आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में क्या होता है, आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में थोड़ा सा फर्क कहाँ आता है, यहाँ पे भी दो पार्टीज लड़ रही हैं, पार्टी वन और पार्टी टू, ये भी बीच में एक बंदे को बिठाएंगी, पर अब ये अपनी दोनों दलीलें पेश करेंगी। अब इस बंदे को इन दोनों को कन्विंस करके सेंटर ग्राउंड पे नहीं लाना है। इन दोनों पार्टीज ने क्या किया, अपनी अपनी साइड बता दी कि मेरी साइड का इश्यू है, मेरी साइड का इश्यू ये है। अब इसके ऊपर है अल्टीमेटली जज करना कि किसकी साइड सही है, और वो उस पार्टी को सही ठहरा देगा, दूसरी पार्टी अपने आप गलत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मीडिएशन का प्रोसेस ज्यादा सक्सेसफुल क्यों रहता है, यहाँ पे अगर क्योंकि मिडिल ग्राउंड अचीव हो जाए, मिडिल ग्राउंड में होता क्या है कि फिर आगे कोई अपील ही नहीं डालेगा क्योंकि दोनों सेटिस्फाइड जाएंगे घर अपने अपने। यहाँ पे कोई भी मतलब एक बंदा सेटिस्फाइड जा रहा है, दूसरा नहीं जा रहा है, तो आर्बिट्रेशन में इतनी प्रॉब्लम होती होती है। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, परमानेंट बोर्ड, जो हेग, हेग कहाँ पे है, नीदरलैंड्स, वहां पे बेस्ड है। ये कोर्ट नहीं है, इज नॉट अ कोर्ट इन ट्रेडिशनल सेंस, चाहे ये सिर्फ इतना भी है, पीसी इज नॉट अ कोर्ट, वो भी सही होगा, ठीक है, वो आधी स्टेटमेंट है, आधी स्टेटमेंट्स कभी गलत नहीं होती इन अ ट्रेडिशनल सेंस। बस क्यों, क्योंकि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्रोवाइड करता है डिस्प्यूट सेटल करने के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के बीच में, मेंबर स्टेट्स के बीच में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, और प्राइवेट पार्टीज के बीच में भी। तो अगर प्राइवेट कंपनीज एक दूसरे के ऊपर आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटलमेंट करना चाहती हैं, वो भी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जा सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या काम कर सकता है, किन किन केसेस में, जैसे मैरीटाइम बाउंड्रीज, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल रीजनल ट्रेड एंड रीजनल ट्रेड, ये सारी चीजें ये डील करता है। ये याद रखना, ये ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है, पर ये यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर का स्टेटस, ऑब्जर्वर होता है ऐसे लोग जिन्हें यूनाइटेड नेशंस के साथ बस अटैच करके रखा गया है। यूनाइटेड नेशन एजेंसी का मतलब होगा कि यूनाइटेड नेशन उसके उसे ओन करता है, वो डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई है, यूनाइटेड नेशंस के अंडर ऑपरेट करती है, उसकी पूरी ब्यूरोक्रेसी में ऑपरेट करती है। ऑब्जर्वर का मतलब होगा बस उसमें इंटरेस्ट रखती है, ठीक है। जैसे तुम ये लगा लो कि कोई भी तुम्हारा सरकारी डिपार्टमेंट है, वो सारी चीजें जुड़ी तो सरकार से ही हुई है ना, साइड पे जो तुम्हारे प्रेशर ग्रुप्स हैं वो बस ऑब्जर्वर का काम कर रहे हैं, जो सरकार के ऊपर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस बनाते हैं, ठीक है, और सरकार इनडायरेक्टली इनके ऊपर नजर रखती है दोनों की तरफ, ठीक है, क्लियर है। तो ये आगे बस इसके पॉइंट है, जजेस कौन होते हैं, मेंबर स्टेट्स, इसके मेंबर्स कौन कौन बनते हैं, कैसे जजेस चूज किए जाते हैं, वो सब कुछ। एक जो लास्ट पॉइंट तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, हाँ, ये जो बिल्डिंग है ना जहाँ पे तुम्हारा ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, ये पीस पैलेस है हेग में, मतलब जगह का नाम है पीस पैलेस, जिसके अंदर है, मतलब बिल्डिंग का नाम है पीस पैलेस। इसके अंदर और बिल्डिंग्स भी हैं, पीस पैलेस के अंदर और चीजें भी हैं, जैसे हेग एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, पीस पैलेस लाइब्रेरी, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि तुम्हारे इंटरनेशनल स्टेट्यूट की दो इंपॉर्टेंट बॉडीज एक ही बिल्डिंग में है, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और दूसरा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये दोनों एक ही बिल्डिंग में है। हमने जो कुलभूषण यादव, जो पाकिस्तान के कब्जे में इंडियन है, उसके अगेंस्ट जब हमने अपील डाली थी, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गए थे, साल में कोई ना कोई करंट अफेयर आ जाएगा, पिछले महीने भी आया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर याद हो बच्चों को, फिर से आ जाएगा, तो हम तब इसके बारे में दोबारा पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, दो बॉडीज एक ही बिल्डिंग के थ्रू ऑपरेट करती हैं, एक ही बिल्डिंग में इनके ऑफिस हैं दोनों के, ठीक है।
नेक्स्ट इज इंडियाज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना. तो चाइना इंडिया की ट्रेड वॉर भी हीट अप कर रही है, हम चाइनीज प्रोडक्ट्स धीरे धीरे कम कर रहे हैं, तो हमारा डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब कल के करंट अफेयर में बताया था क्या होता है. इकोनॉमी कट जानी और एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट ज्यादा हो ना, एक्सपोर्ट कट। बिल्कुल, फॉर्मूला था एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. इकोनॉमी नहीं कम होती, बेसिकली तुम्हारा कोई भी चीज जो नेगेटिव वैल्यू में आई उसे कहते हैं वो डेफिसिट है. बजट का डेफिसिट हो सकता है, ठीक है, रेवेन्यू का डेफिसिट हो सकता है. वैसे ही अगर किसी कंट्री के साथ हम, मतलब हम उनसे चीजें ज्यादा मंगवाते हैं, वो हमसे चीजें कम मंगवाते हैं, तो ऑब्वियसली हम उन्हें पैसे पे कर रहे हैं अल्टीमेटली, तो हमारी साइड ट्रेड डेफिसिट है. तो हम चाइना को अभी भी फिलहाल जो ट्रेड गिरा भी है, अभी भी उसे 48 बिलियन डॉलर्स के करीब चाइना को हम ट्रेड करते हैं, ठीक है. टॉप प्रोडक्ट्स तुम्हें पूछा जा सकता है, देखो इस साल ये चीज इंपॉर्टेंट है खासकर स्टेट सर्विसेज में, कि कौन से इंपोर्ट्स हम चाइना से करवाते हैं. इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सबसे बड़ा जो हमारा इंपोर्ट बनता है चाइना से, वो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, फिर ऑर्गेनिक केमिकल्स, फिर न्यूक्लियर मशीनरी, फिर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, फिर कार्स एंड मोटरसाइकिल पार्ट्स, टॉयज, फर्टिलाइजर, मोबाइल, लाइटिंग, मिल्क प्रोडक्ट्स, ऑप्टिकल एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और लास्ट में आयरन एंड स्टील, ठीक है. और यही डेफिनेशन यहाँ पे समझाई हुई है कि कंट्री के इंपोर्ट्स उसके एक्सपोर्ट से एक्सीड करते हैं उसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, और कुछ पॉइंट्स उसी के रिगार्डिंग इसमें समझाए हुए हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज ब्रह्मपुत्रा और उसके ट्रिब्यूटरीज. देखो असम में इस टाइम तुम्हारे फ्लड आए हैं, हर साल असम में फ्लड आते ही आते हैं मानसून में, ऐसा क्यों? ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी और इसके ट्रिब्यूटरीज में पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. तो तुम कहोगे सर फिर ऐसा क्यों सरकार नहीं कर रही कि डैम्स बनाए और पानी कंट्रोल कर ले, अगर हर साल ही फ्लड्स आ रहे हैं तो हम डैम्स क्यों नहीं बना रहे, हम पानी रोक क्यों नहीं रहे, कलेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो हम ये भी ट्राई कर चुके हैं. ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज में ना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है. आज ब्रह्मपुत्र यहाँ से फ्लो कर रही है, तुमने सोचा चलो इसे रेगुलेट करते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा डैम बनाते हैं, पानी कंट्रोल करना शुरू करते हैं. 15-20 साल में ब्रह्मपुत्र क्या करेगी? ब्रह्मपुत्र इधर से ऐसे निकलना लग जाएगी, ये एरिया खत्म. ब्रह्मपुत्र अपना रूट ही बदलती रहती है, ब्रह्मपुत्रा भी और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर लगातार बदलती रहती है. तो ब्रह्मपुत्रा के एक फिक्स रूट ही नहीं है, तो तुम कहाँ डैम बनाओगे? हम बहुत ट्राई कर चुके हैं पर ब्रह्मपुत्रा कंट्रोल नहीं होती. अब ब्रह्मपुत्रा के लिए फिर या तो तुम पहले एक पूरा प्रॉपर हार्ड कैनाल बनाओ ताकि वो आसपास की मिट्टी को तोड़ के इधर उधर जा ही ना पाए, वो अपने आप में बहुत महंगा है, ठीक है. पहाड़ों से तुम पूरा कंक्रीट बिछाना शुरू करोगे बहुत ही महंगा पड़ेगा, तो ये हर साल न्यूज आती ही आती. इंडिया में ये सियांग या दिहांग रिवर के नाम से एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, बाकी सब कुछ इसमें जुड़ती जाती है. चाइना, इंडिया और बांग्लादेश तीन कंट्रीज ये रिवर कवर करती है. 9th लार्जेस्ट रिवर है दुनिया की, ठीक है, और 15th लॉन्गेस्ट है. अब यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है? यूपीएससी पूछता है कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? ये बहुत बारी ब्रह्मपुत्र के तो खासकर ट्रिब्यूटरीज के क्वेश्चन बहुत बारी आया, बाकी सारी रिवर्स की भी हमने ट्रिब्यूटरीज याद करनी होती है. तो वैसे तो हम ये सारी ज्योग्राफी में पढ़ते हैं पर करंट अफेयर में यही फायदा है कि थोड़ा थोड़ा करके आता है तो तुम्हें अचानक प्रेशर नहीं पड़ता सब कुछ याद करने का, ठीक है. नहीं तो ज्योग्राफी में जब सब कुछ अचानक दिखता है तब तो ज्यादा कंफ्यूजिंग दिखता है. तो ब्रह्मपुत्र नदी की लेफ्ट साइड पे दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोलोंग, राइट पे कामेंग, मानस, बेकी, तिस्ता, सुबानसिरी. लेफ्ट और राइट क्या है कि एक रिवर जो जा रही है इसकी लेफ्ट साइड से आके इसमें कौन सी नदी गिर रही है और इसकी राइट साइड से आके इसमें कौन सी नदी गिर रही है. ट्रिब्यूटरी यही होता है, जो छोटी नदियां बड़ी नदियों में आके गिरती हैं उन्हें ट्रिब्यूटरीज कहते हैं. लेफ्ट साइड का मतलब लेफ्ट साइड से जो गिर रही है, राइट साइड का मतलब जो राइट साइड से गिर रही है. तो लेफ्ट राइट तो पानी के फ्लो के अकॉर्डिंग होएगा ना?
हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, पानी के फ्लो के अकॉर्डिंग होगा। मतलब ब्रह्मपुत्र लेट्स सपोज इधर से इधर जा रही है, तो उसका लेफ्ट ये है, ठीक है। रिवर का हमेशा फ्लो देखना किस साइड को है, ठीक है, और राइट उसका ये है। क्लियर एंड है? सर लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर की फर्क हो गया, सेम ही चीज हुई जैसे क्या चीज? हाँ 9th लार्जेस्ट रिवर बोलिया है ना, हाँ लार्जेस्ट फिर भाई, लार्जेस्ट किदा डिस्चार्ज, आप डिस्चार्ज का मतलब होता है पानी कितना कैरी लार्जेस्ट करती है। लंबी रिवर हो सकती है, लंबी रिवर में पानी कम हो सकता है। जैसे वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर कौन हाँ सी है और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? गंगा। एमेजॉन। गंगा इंडिया की है, ठीक है। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है तुम्हारी एमेजॉन, और लॉन्गेस्ट है नाइल। अब वो भी चैलेंज कर लिया गया है कि अब एमेजॉन ही दोनों बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब याद रखना, गंगा नहीं है, सर ये जो खादी। चाइनीज ब्रह्मपुत्र है ये इंडिया में ओरिजिन है या किसी और कंट्री से इंडिया में आती है? से इंडिया में आती है, तभी तो चाइना सबसे पहली कंट्री है। उसका चाइना फिर में जहाँ से ये एंटर होती है हम वहीं पर नहीं कुछ डैम बना सकते? नहीं, तो वही तो बात है कि जहां से एंटर भी होती है वहां पे अब हिमालयाज है, हिमालयाज में कट मार के इंडिया में एंटर करती है। वहां पे इतना एरिया नहीं होता कि तुम इतना पानी होल्ड कर पाओ, तुम्हें एक प्रॉपर हर जगह पे जगह देख के बनाना पड़ता है। अब अगर तुम हिमालयन, ऐसे हिमालयन रेंज, और खासकर जो ग्रेटर हिमालयन है, जो जहां से ये एंटर करती है, वो ना अर्थक्वेक सेंसिटिव है। अब वहां पे अगर तुमने डैम बना दिया, और कल बाई चांस हिमालयस, बिकॉज अर्थक्वेक आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, कल हिमालय में अर्थक्वेक आ गया, अचानक डैम टूटेगा, और फिर जो पानी नीचे आएगा उससे हद से ज्यादा जाने जाएंगे। तो बहुत डैम्स ऐसे नहीं होता जहां पे मन किया वहां बना सकते हैं। डैम्स की भी अपनी लिमिटेशन है कि तुम कहाँ बना सकते हो, जहां पे रीजन स्टेबल रहे, ठीक है। तो कई जगह पे देखो, ब्रह्मपुत्र जहां बना सकते हैं वहां पे वो टेक्टोनिकली स्टेबल नहीं है, जहां पे हम बनाते हैं वहां पे ब्रह्मपुत्र स्टेबल नहीं है। तो इस कारण ब्रह्मपुत्र कहते हैं कि ये रिवर हमेशा अनटेम्ड रहती है। हमारा छोड़ो, चाइना से नहीं कंट्रोल हो रही, सिर्फ हमारे फ्लड नहीं आते, तो चाइना में भी ब्रह्मपुत्र कारण फ्लड आते हैं, फिर हमारे फ्लड आते हैं, फिर हम बांग्लादेश में भी फ्लड लाते हैं, सारे तीनों कंट्रीज में फ्लड आते हैं, ब्रह्मपुत्र ऐसी ही है। कभी चंडीगढ़ में फ्लड आ सकता है? हमारे जो देखो, हम चंडीगढ़ में कभी फ्लड नहीं आ सकता, रिवर फ्लड नहीं आ सकते, ठीक है। क्यों नहीं आ सकते? बिकॉज रिवर फ्लड्स की बात करूं, बिकॉज आसपास कोई रिवर नहीं है, ठीक है। तो रिवर फ्लड्स, पर अर्बन सेंटर्स में जो फ्लड्स आते होते हैं उन्हें फ्लैश फ्लड्स आ सकते होते हैं हमेशा। फ्लैश फ्लड्स क्या होता है? पानी मानसून के टाइम या किसी टाइम पे जब बहुत ज्यादा टोरेंशियल रेन होती है, टोरेंशियल रेन के बहुत ज्यादा बारिश और बहुत तेज सडन बारिश और बहुत तेज बारिश हो रही है और बहुत लंबे टाइम तक होती रहे, होता क्या है कि एक टाइम पे जाके तुम्हारी सीवेज की ना कैपेसिटी होती है। अर्बन एरियाज में फ्लड आते हैं, कैसे आते हैं मैं वो समझा रहा हूँ। जो तुम्हारी सीवेज की कैपेसिटी होती है ना, वो कुछ फिक्स होती है कि कितना पानी सीवेज में एक टाइम पे जा सकता है। अगर उससे ज्यादा टोरेंशियल रेन आ रही है तो तुम्हारी सीवेज, प्लस साथ में हमारे तो कूड़ा भी फ्लो कर करके इन्हें ब्लॉक करने लग जाता है साथ के साथ, तो होता क्या है, ओवर द टाइम सीवेज की कैपेसिटी जो है वो ऑलमोस्ट फुल हो जाती है, कि जितना पानी आ रहा है उससे उतना वो सीवेज नहीं अब्सॉर्ब कर पा रहे। तो होगा क्या, जमीन के ऊपर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये तो तुमने देखा ही होगा, पानी तो हमारे इंडिया में इकट्ठा हर जगह ही होता रहता है। उसके बाद होता क्या है कि धीरे धीरे ये बढ़ने लग जाता है। हर साल मानसून में एक बार ही होता ही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी सेक्टर के किसी ना किसी कोने में कुछ ना कुछ डूबता ही होता है, ठीक है। चाहे मतलब वो 3-3 4-4 फुट का होता है, पर 3 फुट तक भी लोगों कई बार पानी भराता है, 1 फुट तो भर ही आता है, 1 से 3 फुट के बीच में फ्लड इतना को तो आ ही जाता है।
एक आधे दिन टोरेंशियल रेन आई जाती है, ठीक है। ये है अर्बन फ्लड्स, इन्हें कहते हैं अर्बन फ्लड्स, जिसका नदियों से कुछ लेना देना नहीं है, हमारे टाउन प्लानिंग और हमारे सीवेज कैपेसिटी से लेना देना, ठीक है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट में ये पूरा टॉपिक आता होता है अर्बन फ्लड्स का। सर जिद्दा हूँ आप गल की थी वर्ल्ड से लार्जेस्ट से लॉन्गेस्ट रिवर है ना, मैं वो पूछ रही थी कि ये लार्जेस्ट वर्ड वा वो जड़ी नदी दी विड्थ ते ओदी मतलब डेप्थ के हिसाब नाल अपन लार्जेस्ट देखदे हां। का मतलब है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब है उसमें कितना पानी है, वो कितना ठीक है पानी सर, कैरी कर ओके रहा है, ओके। ते ठीक है। लॉन्गेस्ट हुंदा है मतलब लेंथ किन्नी है ना, लेंथ कितनी है, बिल्कुल ओके। ठीक है। नेक्स्ट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, यहाँ पे हर साल मतलब काजीरंगा में फ्लड आते हैं। तो होता क्या है, इसमें ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानवर पाया जाता है, वन हॉर्न राइनो। तो इन्हें हर साल शिफ्ट करना पड़ता है फ्लड के टाइम, ठीक है, बिकॉज इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और कौन से जानवर पाए जाते हैं, एलिफेंट, वाइल्ड बफ वाटर बफलो, स्वैम्प डियर जैसे जानवर भी काजीरंगा पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड साइट भी है। नेक्स्ट, यहाँ पर टॉल एलिफेंट ग्रास, मार्श लैंड और डेंस ट्रॉपिकल एंड मॉइस ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्टली स्टेटमेंट्स बन के आ जाती हैं पेपर में, कैसे कि गैस करो ये कौन सा नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क में वैसे तो पहले जब भी इंडिया में एक ही नेशनल पार्क है जिसमें वन हॉर्न राइनो पाए जाते हैं, ठीक है। अगर पहली स्टेटमेंट ये आती है कि वन हॉर्न राइनो पाए जाते हैं इसमें, तो ऑब्वियसली वो काजीरंगा ही होगा। लेट्स सपोज ये इजी नहीं बनाना, तो वो क्रॉस करके डायरेक्टली वो शुरू करेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है, ठीक है, बर्ड वॉचिंग एरिया, पहली ये चीज आएगी। दूसरा आएगा यहाँ पे डेंस ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तीसरी स्टेट आएगी इसमें चार इंपॉर्टेंट नदियां क्रॉस करते हैं इंक्लूडिंग ब्रह्मपुत्र। तो ये तीन स्टेटमेंट्स आएंगे और पूछा जाएगा ये कौन सा नेशनल पार्क है, उसका ऑप्शन होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं नीचे वाली, ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें पूछ के इसे गेस करने को कह देते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क है। तो जो जो नेशनल पार्क आते जा रहे हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो सारे करते जाओ। अगला इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है राजा जी नेशनल पार्क। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है तुम्हारे उत्तराखंड में, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट और उत्तराखंड गवर्नमेंट में वो हो रहा है कि टाइगर शिफ्ट कर रहे हैं वो यूपी में, ठीक है। तो वो करंट अफेयर हमसे लेना देना नहीं है अभी, ठीक है। मतलब जो न्यूज थी उसका हमसे कुछ लेना देना नहीं है डायरेक्टली। हमारा जो पेपर में जो दूसरी चीज आई हुई है राजा जी नेशनल पार्क, हमारा उससे लेना देना है। ये शिवालिक रेंज जो है, शिवालिक रेंज होती है जो हिमालय की सबसे लोअर हिमालयज हैं, ग्रेटर, मिडल और शिवालिक, सबसे नीचे वाले जो हिमालयज हैं जिसके बाद प्लेन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ चंडीगढ़ से भी जो सामने पहाड़ दिखते हैं वो शिवालिक रेंज के पार्ट है। तो ये पूरे हिमालयज को क्रॉस करते हैं सारे एंड तक, जो सबसे नीचे वाली रेंज है, ठीक है। उसके फुट हिल्स पे है, मतलब पहाड़ों में ही है, ठीक है। थोड़ा सा प्लेन एरिया आया था, थोड़े से पहाड़ भी आते हैं, वहां पे ये बसा हुआ है, ठीक है। अब इसमें गंगा और सोन नदी फ्लो करती है, ये सोन कह लो सोंग सॉरी गंगा और सोंग नदी इसमें फ्लो करती है। उसके बाद राजा जी का नाम किसके नाम पे पड़ा, सी राजगोपालचारी, जिन्हें राजा जी कहते होते थे, ये हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ सकता है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे, तो तुम्हें ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, उसका आंसर क्या होगा। तो मॉडर्न इंडिया का भी क्वेश्चन यहाँ से निकल आया और एनवायरमेंट का क्वेश्चन भी निकल आया। क्लियर, डायरेक्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ना लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये स्टेट सर्विसेज जैसे कि पंजाब, हिमाचल, इन पेपरों में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन। सर फर्स्ट कौन सी, तुम बताओ। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस तो तुम्हारे क्या कहते हैं After, ये तो इंडिपेंडेंट इंडिया के ही है ना, तो इंडिपेंडेंट इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल यही तो थे। अच्छा फर्स्ट कौन थे, माउंटबेटन? नहीं सर वो तो पता, बट आज जिद्दा आप कहा ना कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट इंडिया के जो सेकंड गवर्नर थे वो राजा गोपालचारी सी। हाँ
सेकंड एंड लास्ट बोलने वाला ना, तो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट केड़े सी? माउंटबेटन। माउंटबेटन इंडिपेंडेंट इंडिया जी? हाँ जी बिल्कुल, उसका ठीक क्या है ठीक रीजन है, क्या चीजें हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे, ठीक है? उसका आंसर माउंटबेटन है। ठीक है, तो राजा जी नेशनल पार्क शिवालिक रेंज और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, उन दोनों के बीच में पड़ जाता है। यहाँ पे ब्रॉड लीफ डेसिडुअस फॉरेस्ट है, रिवराइन वेजिटेशन, स्क्रबलैंड, ग्रासलैंड, पाइन फॉरेस्ट, ये सब कुछ यहाँ पे पड़ता है। नेक्स्ट इज एलिफेंट फाउंड डेड इन बॉट्सवाना। तो तुमसे ये न्यूज का हमारा डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है, बॉट्सवाना में क्या है क्या नहीं, ठीक है? बस कोई बड़ी बीमारी या कुछ हो सकता है, बिकॉज अचानक ही, अभी फिलहाल जब तक नहीं पाया जाता तब तक हमारे करंट अफेयर का हिस्सा ये जानवरों की मौत नहीं बनेगी, बिकॉज अचानक ही 350 एलिफेंट्स मरे पाए गए हैं। तो ये 350 एलिफेंट्स मर कैसे गए, अब उसके ऊपर रिसर्च होगी, वो जब होगा तब का तब करंट अफेयर देखेंगे। आज के लिए फिर बॉट्सवाना क्यों इंपॉर्टेंट है, एक ज्योग्राफी में हम लाइन पढ़ते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ की, हमने याद रखना होता है ये किस कंट्री से पास करती है। ये सारी लाइन को तुमने वेस्ट टू ईस्ट, ये कंट्रीज को अलाइन करके याद रखना है। तो चाइल, अर्जेंटीना, पैराग्वे और तुम्हारा यूरोगे, ये कंट्रीज आ गई। उसके बाद नामीबिया, बॉट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया, ये सबको इसी सीक्वेंस में नीचे, या अगर बिकॉज अभी तो ई कॉपीज यूज कर रहे हो आजकल, हर प्रिंट निकालते हो रोज, तो यहाँ पे नीचे एटलस खोलना और ये सारी कंट्रीज की लिस्ट बनानी शुरू करना, यहाँ से नीचे वर्ल्ड मैप खोलना, उसमें उसमें ये लिस्ट बनाना, ठीक है? ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करके रखना एक कोने से। तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन आता होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की कंट्रीज को वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो या ईस्ट टू वेस्ट, उल्टा कर देंगे, तो जो तुमने लिस्ट बनाई होगी उसे बस उल्टा पढ़ना शुरू कर देना, वो आंसर सही हो जाता है, ठीक है? ये डायरेक्ट अरेंज करने को ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और खासकर पीसीएस और एचएएस और एमपीपीएस जितने बस स्टेट सर्विसेज में, तो ये क्वेश्चन बहुत बार ही आता है ऐसे क्वेश्चन। सिर्फ हम अभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कर रहे हैं, इक्वेटर भी करना है और कैंसर भी करना है, तो उनकी कंट्रीज भी करेंगे किसी टाइम पे, तो याद रखो। सर यूरो के नहीं आता, यूरो के खाली है, ब्राजील आता है, ठीक है? चलो एटलस से इसे देख लेना, ठीक है? ये है आज की करंट अफेयर्स, कोई डाउट इनमें? क्लियर? ये थे करंट अफेयर्स आज के। थैंक यू।